हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले की बेटी प्यारी चौधरी ने सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर जिले को गौरवान्वित किया है। बुधवार को महावीर नगर स्थित सक्सेस पॉइंट क्लासेस में टीम थार के वीर और सक्सेस पॉइंट द्वारा लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी को उनके परिजनों के अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान टीम थार के वीर के संरक्षक रावत त्रिभुवन सिंह, संयोजक रघुवीर सिंह तामलोर, प्रेमाराम भादु, प्रोफेसर गणपत सिंह राजपुरोहित ने नव चयनित लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी, उनके पिता कस्तूरा राम चौधरी समेत परिजनों के साफा माला पहनाकर बहुमान किया और स्मृति चिन्ह भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर रावत त्रिभुवन सिंह ने कहा कि बाड़मेर की बेटी प्यारी चौधरी ने सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर जिले का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले धार नगरी की कोई बेटी सीधे भारतीय सेना में अधिकारी नहीं बन पाई थी, जिसका जिक्र धार के वीर आयोजन को संबोधित करते हुए मेजर दीपिका राठौर ने किया था। उन्होंने कहा कि प्यारी चौधरी ने लेफ्टिनेंट बनकर जिले का ही नहीं पश्चिमी राजस्थान का नाम रोशन किया है। नव चयनित लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी ने जगह जगह हो रहे सम्मान को लेकर थार वासियों का आभार जताया। लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी ने कहा कि बेटियों की शिक्षा में बाड़मेर अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने अभिभावकों से बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने और बेटों की तरह बेटियों को छूट देकर उन्हें अपने मुकाम तक पहुंचने की अपील की। साथ ही प्यारी चौधरी ने अपने माता पिता और प्रारंभिक शिक्षा देने वाले ग्रामीण लोक विद्यालय के निदेशक देवाराम जाखड़ को अपनी सफलता का मुख्य सूत्र बताया। इस दौरान प्रोफेसर गणपत सिंह राजपुरोहित ने आगामी समय में बेटियों के लिए सेना से जुड़े कार्यक्रमों और करियर गाइडेंस के लिए अभियान चलाने का आश्वासन दिया। वहीं जाटिया और रैगर समाज के अध्यक्ष एडवोकेट प्रेम प्रकाश और लायंस क्लब के रीजनल डायरेक्टर इंदर पुरोहित ने थार की बेटी की इस सफलता को ऐतिहासिक बताते हुए लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी और उनके परिजनों को शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में छात्र संघ अध्यक्ष स्वरूपी सुथार, पूर्व उपाध्यक्ष भारती माहेश्वरी, राजू गोस्वामी, भवानी सिंह लखा, गणपत माली, अजीत सिंह चूली सहित टीम थार के वीर से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रेमाराम भादु और धन्यवाद सक्सेस पॉइंट के निदेशक युवराज सिंह राजपुरोहित ने व्यक्त किया। मुझे इतना भव्य स्वागत दे के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे और ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि मैं पहली बेटी हूँ तो मैं चाहती हूँ ये गिनती रुके ना, मेरे से आगे और लड़कियाँ बढ़ती जाए, इसीलिए। तो सेना में जाने का जैसे किस तरह से आपका दिमाग में आया, परिवार में कौन कौन कितने लोग सेना में पहले से है? हाँ, सेना में एक्चुअली मेरा तो सिर्फ बैकग्राउंड ही आर्मी बैकग्राउंड है, तो मेरे पापा, मेरे ताऊजी, मेरा सारा ऑलमोस्ट परिवार ही फौज में है। तो मैं चाहती थी बचपन से कि हाँ मेरे को ये इसमें जाना है, क्योंकि सेना एक ऐसी जगह है जहाँ वो बहुत ज़्यादा सेफ है हर चीज़ के लिए, लड़कियों के मामले में कहो या कुछ भी कहो, सोसाइटी की चीज़ों में कहो। तो सेना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा अपनी तरफ से अगर मैं देश में थोड़ा सा भी सहयोग कर पाऊँ देश के उसमें, तो फिर वो अच्छी चीज़ है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।